Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Limelight, hit him, and you know I have no pressure. I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want, so go-getter. Yeah, I know he does it good, but you know I do it better. So misunderstood, if she wanted, then I let her. Thor, bhai log, kya hal chal hai yaar? अब पिछले कुछ दिनों से आप लोग मेरे से एक क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हो कि भाई तुमने स्नाइपर चलाना क्यों छोड़ दिया, जिसका आंसर मैं दे भी चुका हूँ लेकिन शायद सबको नहीं पता, तो चलो एक बार फिर बता देता हूँ। भाई मैंने स्नाइपर चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, मुझे स्नाइपर चलाना अब भी ज़्यादा पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं जिस स्क्वाड के साथ खेलता हूँ उसमें एक है लेजेंड, दूसरा है लेजेंड, तीसरा है स्कूबी, चौथा मैं, ठीक, ये सब के सब घुस के खेलने वाले हैं, मतलब कि घर के अंदर बंदा देखा, भले ही 1 किलोमीटर दूर से देखा हो, वहां से गाड़ी लेके आएंगे, उस घर के अंदर घुसेंगे और उस बंदे को मार के निकलेंगे। तो भाई स्नाइपर तो तब मैं चलाऊं ना जब मेरे और उसके बीच में डिस्टेंस हो, जब ये लोग मिड रेंज या लॉन्ग रेंज फाइट लेते ही नहीं है, घुस घुस के क्लोज रेंज में खेलते हैं, तो भाई स्नाइपर उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक। और एक और स्नाइपर के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर मान लो मैं पीछे खड़ा होकर स्नाइप करके एक को नॉक कर देता हूँ तो ये लोग तो अंदर घुसेंगे और वो बंदा रिवाइव हो जाएगा, तो मेरी किल भी ये लोग लेके चले जाएंगे। तो जो स्क्वाड का हमारी नेचर है वो घुस के मारने वाला है, तो हमारे एनिमी के बीच में कभी डिस्टेंस रहती ही नहीं है, तो ऐसे में स्नाइपर उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी अब क्योंकि आप लोग स्नाइपिंग देखना चाहते हो तो चलो वापस से भाई स्नाइपिंग करेंगे आज, ठीक। लेकिन हाँ, थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, लेकिन स्नाइपिंग करना भी थोड़ा बहुत आता है। तो फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर ये लोग घुस घुस के हमेशा की तरह मार रहे थे और मेरे को एक बाहर आवाज़ आई थी तो मैंने उस बंदे को ठोक दिया। उसके बाद हम लोग निकले बंदे ढूंढने, लेकिन अपना एक साथी चलवा सा था, तो अब हिसाब किताब ये था कि हम लोग पूरे मैप में गाड़ी लेके घूम रहे थे और भाई साहब बंदे कोने में दुबक के बैठे थे, क्योंकि कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी भी अच्छे खासे बंदे जिंदा थे। तो हम लोग इस उम्मीद में थे कि भले ही अभी किल नहीं मिलेंगे लेकिन एंड सर्कल में कतई धूम धड़ाका होने वाला है, तो बस हम लोग को रेडी रहना है। और भाई साहब हम लोग को ज़्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही हम लोग ने यासनाय का ब्रिज क्रॉस करा ना, भाई साहब कतई स्क्वाड पे स्क्वाड लाइन लग गई, बस देखते जाओ मजा आ जाएगा। तो भाई साहब ये दोनों स्क्वाड लड़ रही थी और हम लोग बीच में पहुंचे और दोनों को ठोक दिया। हम लोग पहले ही ऑलरेडी एक फ्लेयर लूट के आ रहे थे, हम लोग को जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक फ्लेयर मिली थी तो मैंने चला दिया। और इसमें भी ऐसी चीजें थी जो मेरे को नहीं चाहिए थी, तो मैं फ्लेयर छोड़ के पीछे जा रहा था, लेकिन लेजेंड के ऊपर भाई एक स्क्वाड टूट पड़ी। अब उन बंदों को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कवर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेजेंड नॉक हो गया और फिनिश भी हो गया। इसको मैंने नॉक करा, दूसरे वाले को लेजिट ने फिनिश करा, तो कुल मिला के स्क्वाड खत्म हो गई, लेकिन हम लोग को फिर से एक धक्का लगा, हमारे लेजेंड भैया चल बसे। फिलहाल जो भी हो, हम लोग यहाँ चैन की सांस ले रहे थे कि तभी एक और स्क्वाड आ गई। ओ भाई साहब मेरी ग्रोजा में थोड़ी सी एक दो गोली और होती ना तो ये बंदा भी खत्म हो जाता, लेकिन फिलहाल जो भी हो मैं नॉक हो गया था और हमारे लेजेंड भैया जिन्होंने एक बार फिर से मेरे को बचा लिया, एक बार फिर से शायद पहली बॉल नॉक हुआ था, जो भी हो फिलहाल यहाँ पर मैं बच गया। उसके बाद मैं और लेजेंड बंदे ढूंढने फिर से निकले और बंदे भैया सामने ही थे, लेकिन लेजेंड भैया रुकने कहाँ वाले थे, उनको कंपाउंड चेक करना था, तो हम लोग गए कंपाउंड पे और लेजेंड सही था, वहां पर भी बंदे थे, लेकिन ये बंदे कुछ अलग ही लेवल के थे, बस देखते जाओ कते मजे आने वाले कि भैया मतलब कैंपिंग की नई नई टेक्निक्स निंजा टेक्निक निकल रही है, देखते रहो यकीन नहीं मानोगे। अब ये तो भाई पीछे वाले स्क्वाड थे जिनको पहले देखा था और ये निकल गए। अब यहाँ लेजेंड नेट कर रहा था और मुझे पता था कि वो कंकशन में है, तो मैं अंदर घुसा, लेकिन भाई साहब रास्ता ही बंद कर रहे थे तो मैं भी नेट डालने लगा। भाई साहब मैंने हर जगह नेड और मॉली कर दिया और मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनको ऑलरेडी कंकशन था, तो इनको ऑलमोस्ट पता नहीं लगना था कि नेड कहाँ गिरा।
और ये रहा उसका रिजल्ट। एक जैसे ही नॉक हुआ मैंने इनको फोड़ दिया, लेजिट अंदर घुस गया और फिर मैं भी घुस गया। और भाई साहब इन कैंपर्स की तो वाट लगा के रख दी। फिलहाल जो भी हो इनको लूटा और भाई गजब की लूट थी इनके पास। लेकिन ये नहीं पता चल रहा था ये कितने हैं, क्योंकि एक सिर्फ यहाँ मरा था और बाकी सब के सब इसके अंदर मरे थे, मतलब पीछे भी पड़े हुए। तो भाई क्या था ये, पूरी तरीके से कैंप करके बैठे थे। फिलहाल जो भी हो हम लोग ने एक गाड़ी उठाई और हम लोग को पता था कि जो स्क्वाड भागी है वो ज़्यादा दूर गई नहीं होगी। और भाई सब सामने रिच पे लेटे हुए थे सब के सब, लेकिन हम लोग को भले ही दिख रहे थे लेकिन असल में वो रिच के पीछे थे, तो उनको मार पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिलहाल उनका एक पता नहीं क्यों उठा और मैंने उसके एक बॉडी शॉट रख दी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा उठे नहीं। अब मैं अलग अलग एंगल ढूंढ रहा था और लेजिट को मच रही थी खुजली पुश करने की। मैंने स्टार्ट में ही बताया था ना ये घुस के मारने वालों में से हैं, तो भाई साहब क्या कर सकते हैं। फिलहाल जो भी हो मैं एंगल बना रहा था तो मैं ऊपर चढ़ गया, लेकिन भाई साहब इनमें से कोई भी आने का नाम ही नहीं ले रहा था और लेजिट गाड़ी लेके निकल गया। मैं वो नीचे उतरा कि भाई के साथ चलता हूँ, लेकिन नहीं, सारे किल उसी को चाहिए थे। चाह भैया हम क्या कर सकते हैं इस पे। फिलहाल जो भी हो वहाँ लेजिट के ऊपर हैवी फायर हुआ था, लेकिन लेजिट डरने वाले में तो था नहीं, तो गाड़ी लेके आगे गया और फिर घुमा के वापस आया। अब मेरे को पता था कि लेजिट आने वाला है तो मेरे को एक को नॉक करना था। मैंने सोचा है तो हाँ रुक के मारेगा वो टिकटॉक की वीडियो, और एक बंदा मेरे को दिख गया, मैंने उसको रख दिया और लेजिट गया पुश करने। अब लेजिट का स्वागत तो गंदा हो गया। और यहाँ पर मैं सिर्फ कवर दे सकता था और मेरे को पता था धुएं के अंदर बंदे। और मैंने एक को बचा दिया। फिलहाल जो भी हो वो लोग शायद मेरे को हैकर समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन भाई इतना पता था एक को नॉक कर दिया। लेकिन मेरे को एंगल्स चाहिए थे क्योंकि भाई साहब वो बंदे बाहर ही निकल रहे थे और मेरे को पता था अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल लूंगा तो डेफिनेटली मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, क्योंकि वो रिच के भी पीछे है प्लस स्मोक है। तो मैं थोड़ा सा साइड वे गया ताकि मेरे को एक थोड़ा सा क्रॉस एंगल मिले और मैं उनमें से किसी को नॉक करके फिनिश कर दूं। और उनकी गाड़ी भी वहां खड़ी थी तो अगर एंगल मिलता तो गाड़ी भी पंचर कर देता। लेकिन भाई साहब जो आप सोचते हो हमेशा वैसा होता नहीं है। फिलहाल जो भी हो सामने मेरे पास एक झोपड़ी थी तो एक कवर भी था, तो एक एंगल अच्छा बन सकता था यहाँ से। अब एक बंदा मेरे को दिखा, लेकिन भाई साहब वही ना रिज रिज भाई रिज, अगर ये रिज नहीं होती ना ये मैच कब का खत्म होता। फिलहाल मैं समझ गया था कि यहाँ पर मैं सेफ नहीं हूँ, क्योंकि ज़ॉम्बी मेरे को पुश करने वाला था, प्लस यहाँ से मैं ज़्यादा आगे जा भी नहीं सकता था। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं वापस वहीं जाऊँगा और वहाँ से घूम के थोड़ा सा राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड से प्लान करूँगा। भाई सोचा था कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि भाई साहब बिल्कुल भी एक पत्थर भी नहीं था, कवर भी नहीं था, और जो पेड़ थे वो इतने दूर दूर थे कि भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा खतरे में था। फिलहाल जो भी हो मेरे को वहाँ तक जाना था जोन में जाने के लिए, तो मैं जाने लगा। अब भाई साहब मैं जा ही रहा था कि सामने मेरे को एक लौता बंदा दिखा जो कि दूसरी टीम से बच रहा था, और उसकी किस्मत खराब थी कि वो मेरे को दिखा और मैंने उसको फिनिश कर दिया। उसके बाद अब सिर्फ एक स्क्वाड बच रही थी जो कि मेरे सामने थी और मुझे उनको मार के क्लच करके ये चिकन डिनर हासिल करना था, और इस चीज में कतई मजे आ जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे को एक मूवमेंट दिखी थी तो मैं भाग के कवर में आया, उस बंदे को ढूंढा और भाई साहब रनिंग हेडशॉट, तो हेडशॉट नहीं था, आई थिंक बॉडी शॉट था, हेडशॉट था, आई डोंट नो, हेडशॉट था, हाँ हेडशॉट था। तो एक रनिंग हेडशॉट मैंने मारा और उसके बाद मैं उसको फिनिश नहीं कर पाया। अब चलो आज मैं आपको एक स्नाइपर का दर्द बताता हूँ। देखो सोलो में स्नाइपर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि एक हेडशॉट मारा और उनकी किल जेब में, लेकिन स्क्वाड्स में भाई सबसे ज्यादा सफर स्नाइपर्स ही करते हैं, क्योंकि वो नॉक तो बहुत करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई रैप मिल जाता है और रैप मिल जाता है तब तक आपकी टीम के सॉल्टर घुस चुके होते हैं, वो किल उनको मिल जाता है। तो भाई साहब एक स्नाइपर बहुत परेशान रहता है खास करके स्क्वाड्स में, लेकिन भाई अगर टैक्टिकली खेलो स्पोर्ट्स वगैरह में तो एक स्नाइपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्लासिक में भाई आपके सॉल्टर्स आपकी वाट लगाए रहते हैं। फिलहाल जो भी हो वो बंदे फ्लैंक कर रहे थे और उनमें से एक बंदा दिख गया। अब मैंने एक नॉक कर दिया था, मेरे को आइडिया था कि दूसरा भी वही है और मैंने उसको नॉक कर दिया। अब उनका तीसरा बंदा उनके साथ नहीं था और उनके पीछे हो नहीं सकता था क्योंकि वहां पर कोई नहीं था, तो डेफिनेटली वो आगे गया होगा, तो मैंने इन दोनों को फिनिश कर दिया। अब लेजेंड लेजिट सबका कहना था कि वो बंदा मेरे सामने है, लेकिन यहाँ मैं 8x लगा के देख रहा हूँ, साला मेरे कोई दिख नहीं रहा है। एक दिख रहा था लेकिन असल में वो डब्बा था जिसमें मैंने फायर करा, तो वो डब्बा निकला, तो इस वजह से यहाँ मैं समझ गया कि वो बंदा मेरे को दिखने वाला तो है नहीं। तो मैंने डिसाइड करा कि मेरे को जोन में जाना पड़ेगा, तो मैंने दूसरी तरफ स्मोक करे, अगर उस तरफ करता तो उधर से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं उधर स्मोक करता तो जोन पे जो मेरा कवरेज रहता, मतलब जितना मेरा इलाका रहता जिस पे मेरा कब्जा रहता वो कम रहता, तो मैं जोन के बीच में घुसना चाह रहा था ताकि उसको बीच में घुसने से रोक सकूं।
क्योंकि जोन अब इतना छोटा हो गया था कि भाई साहब बीच में रुकना थोड़ा ज्यादा सेफ था एज के मुकाबले, क्योंकि एज वाले को हमेशा मूव करना पड़ता है यार। ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और आप कितना कॉन्फिडेंस रखते हो अपने अंदर। मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस रख रहा था क्योंकि अभी भी दो बंदों को ठोका था, तो मैं बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल जो भी स्मोक की बाउंड्री थी और मेरे को पता था कि स्मोक ज्यादा देर टिकने वाला है नहीं, तो यहाँ पर मेरे दिमाग में था कि मैं जल्द से जल्द और स्मोक गिरा लूँ ताकि भैया ये वॉल ना हट जाए, वरना मैं तो ठोक दिया जाऊंगा, क्योंकि उस बंदे के पास रिच का कवर अभी भी है। अब भाई साहब टाइमिंग देखो, स्मोक ये जैसे ही हटा सामने वाले स्मोक की वॉल बन गई, तो मैं भाग के उस स्मोक के गया और स्मोक के थ्रू आगे वाले स्मोक में गया। लेकिन भाई साहब स्मोक से आपको एक कवर तो मिलता है, लेकिन ये कवर हार्ड कवर नहीं होता है, इसके अंदर से आपको गोलियां लगती हैं। तो यहाँ पर मैं उछल कुछ बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और वो बंदा मेरे ऊपर नीट डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे पास कुछ अंडे पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा चलो यार कुछ बनाते हैं कवर भी, लेकिन भाई पहले नेट तो स्पैम कर लें पूरे में। अब यहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि बंदा मेरे ऑलमोस्ट सामने ही कहीं पर है, तो मैंने वहाँ पर नेट स्पैम करना शुरू कर दिया। और भाई साहब यहाँ पर नेट कुक करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि मुझे परफेक्ट तो पता नहीं था बंदा कहाँ पर है, तो नेट कुक करने से कोई फायदा नहीं था, तो मैंने चारों तरफ नेट स्पैम कर दिए। घास में ऐसे भी वो दिखने वाले थे नहीं, लेकिन भाई नेट से कोई मेरे हाथ नहीं लगा। तो भैया यहाँ पर मैंने अंडों की दीवार बना ली, क्योंकि भाई साहब ये गेम में ऐड हुई अब तक की सबसे फालतू दिखने वाली कमाल की चीज़ है, क्योंकि इसके यूज बहुत ही ज्यादा है। तो भाई साहब मैंने दीवार बना ली और उसके बाद मेरे पास एक प्रॉपर कवर था, तो मेरे को प्रोन रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, अपने उठ के बैठ गए। अब उस बंदे को मेरी लोकेशन बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन मेरे को उसका कुछ खास अंदाजा था नहीं, तो यहाँ पर मैं उसे टॉन्ट करने की कोशिश कर रहा था कि वो फायर करे या कुछ तो करे जिससे मेरे को उसकी लोकेशन पता चल जाए। और भाई साहब तभी उसने एक मॉली करा जिससे मेरे को उसकी ट्रैजेक्टरी का थोड़ा सा अंदाजा हो गया, लेकिन अभी भी वो बंदा मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैं उसे रैंडम फायर करके टॉन्ट करने लगा, भाई मुखड़ा तो दिखाओ अपना। अब वो बंदा ऑक से दिख नहीं रहा था लेकिन फायर कर रहा था, तो मैंने ओम चलानी शुरू कर दी कि तुक्का कनेक्ट हो जाए भाई तो बंदा खत्म ही हो जाए। तो मैंने कुछ ओम चलाई लेकिन वो बंदा मेरे को अभी नहीं दिख रहा था। और फाइनली उस बंदे ने गलती करी, वो उठा मेरे को मारने के लिए और वो मेरे को दिख गया। और मेरे को दिखने का मतलब है कतई इजी चिकन डिनर।